की उपस्थिति को जो समय की कंपनियां थी भारतीय पर कंपनियां की बैठा मैं संशासन में लिखा हुआ आई से संशासन अपना परिचय शैलेंद्र दुबे संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया है केंद्रीय विद्युत मंत्री ने कि संसद के मानसून सत्र में जो चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 रखा जाएगा और उसको पारित कराया जाएगा। यह बिल न कर्मचारियों के हित में है न उपभोक्ताओं के हित में है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल उसमें यह प्राविधान किया गया है कि अब विद्युत वितरण के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। लाइसेंस की आवश्यकता स्कूटर चलाने के लिए है और लाइसेंस की आवश्यकता बिजली देने के लिए नहीं रहेगी। तो किस प्रकार की कंपनियां सामने आएंगी, एक ही क्षेत्र में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के कई कंपनियां विद्युत की आपूर्ति कर सकेंगी, लेकिन वह कंपनियां अपना कोई नेटवर्क नहीं बनाएंगी। वह कंपनियां मौजूदा नेटवर्क जो है वितरण कंपनियों का सरकार का उसी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी, अर्थात सब स्टेशन हमारा होगा, स्विच गियर हमारा होगा, ट्रांसफार्मर हमारा होगा, कंडक्टर हमारा होगा और उससे मुनाफा कमाने का काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। दूसरी बात, प्राइवेट कंपनियां घाटा उठा के किसी को बिजली नहीं देंगी। हम लागत से कम मूल्य पर बिजली देते हैं किसानों को, बिलो पॉवर्टी लाइन को। 500 यूनिट तक बिजली का उपभोग जो करते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर, उनको भी हम घाटा उठा के बिजली देते हैं। तो निजी कंपनियां बिजली आपूर्ति का काम केवल औद्योगिक क्षेत्र में करेंगी और व्यवसायिक क्षेत्र में करेंगी, यानी जो मुनाफे का क्षेत्र है वह निजी कंपनियां हमसे छीन लेंगी। परिणाम इसका क्या होगा? विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय हालात पहले से खराब है, वह हालात और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। वितरण कंपनियों के पास न बिजली खरीदने के लिए पैसा होगा, न कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए पैसा होगा। तो उपभोक्ताओं को सब्सिडी समाप्त हो जाने के बाद 10 रुपए से कम की बिजली किसी किसान को नहीं मिलेगी। तो यह सारा बिल जो लाया जा रहा है कॉरपोरेट के हित में है, आम उपभोक्ता के खिलाफ है, बिजली कर्मचारियों के खिलाफ है। आज ऐसे सम्मेलन सारे देश के सभी प्रांतों में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यह सम्मेलन लखनऊ में न होकर वाराणसी में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है, जिससे उन तक हम अपना संदेश पहुंचा सकें। और इस सम्मेलन के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया गया है, वह प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के कार्यालय में हैंडओवर किया जाएगा और उन तक हम अपनी अपील पहुंचाना चाहते हैं कि इस बिल को जल्दबाजी में पारित न किया जाए, बिजली कर्मियों से व्यापक चर्चा किया जाना आवश्यक है। क्या वजह है, जैसे PMI है, सब कुछ निजीकरण होते जा रहे हैं? देखिए, यह कॉरपोरेट नीतियाँ, मैंने कहा जहाँ तक बिजली का क्षेत्र है कंज्यूमर्स के हित में नहीं, न बिजली कर्मचारियों के हित में। यह अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी सरकारी क्षेत्र ने खड़ी किया है, जनता के पैसे से खड़ी किया है और उससे मुनाफा कमाएंगी प्राइवेट कंपनियां बिना कोई पैसा खर्च किए। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए इस बिल को रोका जाना चाहिए। सरकार का सब लोग देखे हैं, एक दरी पर हैं कि हमने मांग रखा था शासन से और इसको खत्म किया जाए। तो हमारे जो साथी इंजीनियर्स वर्ग हों, चाहे वो फील्ड के हमारे कर्मचारी हैं, चाहे जूनियर इंजीनियर संगठन है, ये सब घटक आपके सामने इस समय मौजूद हैं और सबकी राय आपका जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है उससे सब ये परीक्षा में हर समय चाहे जहां समझौता जो हुआ है और आप लड़े हैं उसकी जीत आपको हुई है। रेलवे के कर्मचारी हों, हर लोगों की मांग है कि हमारा पैसा